हाँ, असल में खाना और पैखाना दोनों तवज्जो के साथ ही होने चाहिए। बाद लोगों को देखा होगा आपने, इन दोनों कामों के अंदर किसी दूसरे काम में मशगूल रहते हैं, तो दिमाग का जो प्रोसेस होता है काम करने का, उसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में समझाया है, आंखों की रोशनी वाली वीडियो के अंदर। तो खाना खाते वक्त बाज़ लोग बातों में ध्यान लगाते हैं और बिना चबाए निकलते हैं, तो वो दांतों का काम आंतों से ले रहे होते हैं। तो ये भी बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं कि जो खाने को बिना चबाए खाते हैं। खाने को इत्मीनान के साथ मुकम्मल चबाना चाहिए और इस पर तवज्जो भी रखनी चाहिए कि आप खाने को चबा रहे हैं, बेख्याली में बिना चबाए नहीं निकलना चाहिए। ठीक वैसे बैतुल खला के अंदर जब आप हाजत के लिए बैठे तो आपका फोकस सिर्फ हाजत पर ही होना चाहिए कि उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा ठीक है। बाज़ लोग उसमें न्यूज़पेपर पढ़ने का, मैगज़ीन पढ़ने का, मोबाइल चलाने का ट्रेंड आजकल जो है ना चल गया, तो इससे दिमाग दूसरी तरफ जाता है, तो ये सेहत के लिए जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो इन दो बेवकूफ़ी से बचना चाहिए। खाना पैखाना दोनों तवज्जो के साथ ही होने चाहिए।